देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो में पदक का सूखा खत्म करने वाले नीरज चोपड़ा। जी हां, टोक्यो ओलंपिक्स में देश को एक ऐसी उपलब्धि दिलाकर स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा पर इनामों की भी बरसात हो रही है। देश जहां जश्न मना रहा है, वहीं गोल्ड जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा पर पैसों की बरसात हो रही है। जी हां, आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरे देश से उन्हें उनकी इस उपलब्धि पर क्या क्या इनाम दिया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर सरकार, जी हां, हरियाणा सरकार दे रही है उनके गोल्डन प्रदर्शन को देखते हुए नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, साथ ही उन्हें क्लास 1 की नौकरी भी दी जाएगी। वहीं 50% की छूट के साथ उन्हें हरियाणा सरकार एक प्लॉट भी देगी। आपको बता दें कि खुद इस बात की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। इस दौरान एक बड़ी घोषणा ये भी की गई कि पंचकुला में एथलीट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन का निर्माण भी कराया जाएगा और नीरज चाहें तो इस सेंटर के हेड रह सकते हैं। वहीं पंजाब सरकार ने भी उन्हें 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आपको याद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स मुकाबलों में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए 2 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। यही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कंपनी की आने वाली SUV यानी कि XUV700 उपहार में देने का वादा किया है। आपको बता दें कि चोपड़ा के पदक जीतने कुछ देर बाद ही महिंद्रा ने यह घोषणा कर दी थी। आपको बताएं कि ट्विटर पर एक फॉलोअर ने महिंद्रा से चोपड़ा को XUV700 गिफ्ट में देने की बात कही थी, जिसके बाद महिंद्रा ने लिखा कि हाँ बिल्कुल, हमारे गोल्डन एथलीट को SUV700 उपहार में देना उनका सौभाग्य और सम्मान होगा। वहीं क्रिकेट के लिए मशहूर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने भी नीरज चोपड़ा को इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा को BCCI 1 करोड़ रुपए देने जा रही है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट हैं। वहीं निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने भी घोषणा की है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को 1 साल तक असीमित निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोनोजॉय दत्ता ने एक बयान में कहा है कि नीरज, हम सभी आपकी उल्लेखनीय उपलब्धि के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए हैं। आपने देश को गौरवान्वित किया है और मैं जानता हूं कि इंडिगो के सभी कर्मचारी हमारी किसी भी उड़ान में आपका स्वागत करने पर सम्मानित महसूस करेंगे। वहीं गुरुग्राम की रियल्टी कंपनी इलान ग्रुप ने भी उन्हें 25 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं IPL की मशहूर टीम चेन्नई सुपर किंग्स भी नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन से बेहद खुश है और इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। यही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स नीरज चोपड़ा को सम्मान देने के लिए 8758 नंबर की एक विशेष जर्सी भी तैयार करेगी, क्योंकि नीरज ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर दूर जैवलिन थ्रो कर एक इतिहास रच दिया है। वहीं रेलवेज ने भी नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आपको बता दें, इनके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें 75 लाख रुपए का इनाम देगी। इनामों की फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, जी हाँ, मणिपुर सरकार का। मणिपुर सरकार ने भी नीरज चोपड़ा के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। मणिपुर सरकार बेहद गदगद है भारत के नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन से और मणिपुर सरकार ने भी उन्हें 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 100 साल का सूखा खत्म करने वाले नीरज चोपड़ा का गोल्ड जीतना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। जय भारत TV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।